आप क्या करेंगे अगर आपकी बार्बी डॉल की नाक टूट जाए, या फिर आपके नन्ही गुड़िया को सुनने में परेशानी हो, या फिर आपको अपनी प्रेग्नेंट बार्बी का अल्ट्रासाउंड करवाना हो। घर से बाहर समय बिताने का मजा ही कुछ और है। अपनी डॉल्स को पिकनिक के लिए पार्क में ले जाना, इससे अच्छा और क्या होगा, खासकर जब बच्चे भी इतनी मस्ती कर रहे हो। मॉम पकड़ो, बूम। ओ नहीं, मेरी नाक, ये तो टूट गई। मॉम आपकी नाक को क्या हुआ? अब हम क्या करें? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक वेट वाइप से चौरस टुकड़ा काटे। प्लीज मेरी टूटी हुई नाक ठीक कर दो। घबराओ मत बार्बी, डॉल के गालों पर सफेद ग्लू लगाएं, इस पर वाइप का पीस लगाएं, इसके ऊपर फिर से ग्लू की परत लगाएं, अब नाक पर वाइप लगाएं, किनारों को एक समान मिलाएं, पूरे चेहरे पर एक मास्क बना दें। बार्बी बैंडेज का बेस तैयार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी पिकनिक एक हॉस्पिटल में आकर खत्म होगी। एक बेज रंग का साटन रिबन ले, इसे बार्बी के गले पर लपेटे और इसे सर तक वाइप के ऊपर से लेते हुए लपेटे। एक बैंडेज का आकार दे, ऊपर से बंद करें, रिबन के सिरे को जलाएं। अब आपकी नाक सुरक्षित है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितनी देर तक इस बैंडेज को पहनना होगा। मैं अब कैसी दिख रही हूँ? ओह कुछ खास नहीं, पर ये सब अपनी खूबसूरत नाक को वापस पाने के लिए है। गुड आफ्टरनून, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? काफी बेहतर, चलो एक बार आखिरी चेकअप कर लें। तो देखते हैं। मुबारक हो, सब ठीक है, हम बैंडेज को उतार सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये रहा, कितना बढ़िया हो गया। थोड़ी देर के लिए बैंडेज लगा देते हैं। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये भी करते हैं। बैंडेज हटाओ और हो गया। अपनी सीधी और सही नाक का आनंद लो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेरी नाक फिर से खूबसूरत दिख रही है। एक ग्लिटर ग्लू की टिप भी ले, इसका ढक्कन उतारे और इसके टिप को काटे, टिप को ढक्कन पर लगाए, अल्ट्रासाउंड जेल छपा लेबल लगाए, स्ट्रॉ से इसका ढक्कन बनाए, स्ट्रॉ को ऊपर से काटे, इस ढक्कन को हॉट ग्लू लगाकर बंद करें। डॉक्टर, हम दोनों अपने बच्चे का जेंडर अभी से जानना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, तुम ये बस अभी जान जाओगी। हम बस पेट पर थोड़ा जेल लगाएंगे और अल्ट्रासाउंड शुरू करते हैं। वो देखो तुम्हारी प्यारी सी गुड़िया, ये कितनी सुंदर है, और हमारे पास इसकी पहली तस्वीर भी आ गई। हमें चाहिए होगा एक डॉग वाटर बाउल। इसके नरम किनारे पूल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चमकीले स्टिकर्स ले, पूल के किनारों पर इन्हें लगाकर सजाएं। थोड़ा गर्म पानी डालें। पूल तैयार है और अब हम इसमें बॉल डाल सकते हैं। वाटर बर्थ एक नेचुरल तरीका है माँ और उसके बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में पानी से ही घिरा होता है। ये होने वाली माँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि बच्चा भी बाहर आने के लिए उतावला है। इस नाजुक घड़ी में आपको अपने डॉक्टर और अपनी जीवन साथी दोनों का ही साथ चाहिए होता है। मुझे इस गुनगुने पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई हो, आपके घर एक प्यारी सी गुड़िया आई है। ये कितनी नन्ही और प्यारी है। आखिरकार हम मॉम डैड बन ही गए। चलो बेबी के वजन के लिए किंडर जॉय के पैकेट से स्केल बनाएं। फालतू प्लास्टिक काटे, इसमें छेद करें, बाहरी हिस्से पर सफेद पेंट करें, इसे प्लास्टिक कंटेनर में फिट करें, इस तरह से डिटेल्स काटें, अंदर की तरफ गुलाबी रंग करें, स्केल के किनारे पर सफेद तार चिपकाएं, बेस पर हॉट ग्लू लगाएं, स्केल को लगाएं, स्केल के लिए एक स्क्रीन बनाएं, इसे काटें, इसे बेस से लगाएं, आदि मोती से एक बटन बनाएं, स्केल को स्टार के आकार के मोतियों से सजाएं,
छोटा सा कंबल रखें। हमारी नन्ही राजकुमारी के लिए स्केल तैयार है। अब समय है बेबी का वजन चेक करने का। बेबी को स्केल पर रखें। बहुत अच्छे। बम्स वाले मोती लें। इसे तार पर लगाएं। इसे मोड़कर हैंडल का आकार दें। फालतू तार काटें। एक छोटे मोती से हैंडल का बेस बनाएं। हमने बेबी मसाजर बना लिया। एक प्लास्टिक पॉकेट से की चेन निकालें। इसमें मसाजर डालें। एक हरे धागे से इसके हैंडल बनाएं। इसे पर्स से चिपकाएं। एक मसाजर बैग तैयार है। आप इस बैग को अपने कंधों पर भी टांग सकते हैं, क्योंकि मुझे मसाजर हमेशा ही अपने साथ चाहिए होता है जब भी मैं इन प्यारे बच्चों को मिलने आती हूँ। बेबी, अब मैं तुम्हें पेट और पीठ पर अच्छे से मसाज दूंगी। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। अपनी मामा को खुश करो। एक स्पाइरल हेयर टाई लें। एक छोटा सा पीस काटें। इस तार को मोड़कर आधा गोला बनाएं। इसे हेयर टायर के पीस से लगा दें। तार के दूसरे सिरे पर मोती लगाएं। इसे हॉट ग्लू से जोड़ें। हमें मिल गया एक नन्हा सा हेयर रिंग एड। ये डॉल को बहुत अच्छे से फिट आ गया। डॉक्टर, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है। मैं ठीक से सुन नहीं पा रही। ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। ये छोटा सा हेयर रिंग एड लगा लो। ये तुम्हारे कान में टिका रहेगा और तुम्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया डॉक्टर, ये कमाल का है। चश्मे की आउटलाइन बनाए। ड्राइंग पर एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाएं। ड्राइंग को शीट पर एक सुई की मदद से ट्रांसफर करें। इसे चाकू से काटें। हमारे चश्मे के लिए पेस्ट तैयार है। इस प्लास्टिक के चश्मे को एक गुलाबी रंग के सख्त प्लास्टिक शीट पर रखें। इसे आउटलाइन के अनुसार ट्रेस करें। लेंसेज के लिए छेद बनाएं। इन्हें काटें। वाओ! सुई की मदद से इसकी डंडियों को टिकाएं। इस शीट और प्लास्टिक के पेजेस को एक साथ चिपकाएं। बार्बी, ये लो तुम्हारे स्टाइलिश ग्लासेस। चलो तुम्हारी नजर चेक करें। बैठ जाओ और इन अक्षरों को पढ़ो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। हम तुम्हारी दाई और बाई आँख चेक करेंगे। डॉक्टर, मैं बहुत मुश्किल से इन अक्षरों को पढ़ पा रही हूँ। ये बहुत धुंधले हैं। घबराओ मत, मेरे पास ये चश्मा है। ये तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। इसे पहनो और फिर पढ़ो। ये अब मुझे सब ठीक दिख रहा है। कुछ लेगोज लें। आर्च पीसेस को पहिए पर लगाएं। चौरस ब्लॉक्स लगाकर पिरामिड बना लें। और एक 4x2 का पीस सबसे ऊपर लगाएं। 3x2 के ब्रिक्स ऊपर लगाएं। और एक चपटा 8x4 का पीस लें। इसे टेबल टॉप की तरह बना दें। कोन्स और कार के बम्पर की मदद से हॉस्पिटल टेबल का हैंडल बनाएं। लंच तैयार है। स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने से ही जल्दी ठीक होते हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए बढ़िया सपोर्टेबल फूड टेबल। मुबारक हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो। मुझे यकीन है तुम्हारी जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। इस वक्त सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हमारा खाना बनाने का स्टाफ इसमें माहिर है। पेट भर के खाओ। शुक्रिया डॉक्टर। चॉपस्टिक की मदद से स्ट्रेचर का बेस बनाएं। स्टिक्स पर एक कपड़े का पीस लगाएं। कपड़े को स्टिक्स के अनुसार काटें। कपड़े के किनारों पर हॉट ग्लू लगाएं। इसे मोड़ें। स्टिक्स को भी हॉट ग्लू से लगाएं। इन पर कपड़ा लपेटें। किनारों को चिपकाएं। स्ट्रेचर तैयार है। मेरा सर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओह, ये तो बेहोश हो गई। जल्दी से एक स्ट्रेचर और ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर, पर मेरा सिर अभी भी दर्द हो रहा है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं यही देखने के लिए। इस डॉल ने अपनी बाजू तोड़ ली। चलो सफेद कपड़ों से इसके लिए प्लास्टर बनाएं। एक कपड़े के पीस को आधा मोड़ें। इसे बाजू के ऊपर लपेटें। इसे एक प्लास्टर की तरह बनाएं।
फालतू कपड़ा काटे, तीखे कोनों को काटे, इन पीसेस को सिले, अंगूठे के लिए छेद बनाए, इसे सिल दे, कपड़े पर एक वेलक्रो का पीस लगाए, वेलक्रो का दूसरा आधा हिस्सा पिछली तरफ लगाए, इस प्लास्टर को बाजू पर लगाए, इस पर सितारे के आकार का राइनस्टोन लगाए। शुक्रिया, मेरा प्लास्टर इन सितारों की वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? चश्मा, स्ट्रेचर, हेयरिंग एड या फिर बेबी स्केल? वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना करें।